एक बार एक खेत रहती थी मुर्गी अपने चार चूजों के साथ। चारों में से एक थी लाल चूजी, वह थी तेज और चुलबुली सी। चूजी थी बहुत जिम्मेदार और घर का काम काज भी संभालती थी। दूसरी चूजी थी बहुत बातूनी, ज्यादातर अपना समय सारे जानवरों के साथ बातें करने में और खेलने में बिताती थी। तीसरी चूजी को केवल अपनी खूबसूरती की चिंता थी, कोई काम नहीं करती और बस अपना समय केवल अपने पंखों को सवारने में और नाखून साफ करने में बिताती थी। चौथी थी निद्रालु, किसी भी जगह उसको नींद आ जाती थी। हर रोज लाल चूजी अपनी माँ के साथ जाकर अनाज और बीज ले आती थी। बाकियों को जब भी मदद के लिए बुलाते, कोई आगे आता ही नहीं, बस सब अपने धुन में मगन थे। एक दिन छोटी लाल चूजी और मुर्गी काम पे निकल पड़े। जमीन पर बीज बोए, पौधों की कटाई की और मिल पर ले गए रोटी का आटा बनाने के लिए। जब मुर्गी और लाल चूजी बीज और रोटी लेकर घर वापस आए, तो बाकी के तीन चूजे दौड़ते हुए आए और सब कुछ खाने लगे। ऐसा कई हफ्तों तक चलता रहा। रोज मुर्गी और छोटी लाल चूजी मेहनत करके खाना ले आते और बाकी के चूजे सब कुछ खाकर मजे लेते थे। छोटे चूजे अब बड़े हो गए, पर कुछ नहीं बदला। मुर्गी अपने बच्चों का व्यवहार देखकर दुखी थी। माँ, आपके बुरा मानने से ये तीन बदलने नहीं वाले, हमें इस समस्या का हल निकालना पड़ेगा। हाँ मेरा बच्चा, तुम सही हो, पर इनको बदलने के लिए क्या किया जाए? माँ, मेरे पास एक योजना है। छोटी लाल मुर्गी ने माँ को अपनी योजना सुनाई। हर रोज अब काम के बाद वे खाली हाथ आने लगे, तीन दिनों तक। बाकी तीन छोटे मुर्गी भूख से परेशान हो गए। पहली मुर्गी बहुत बातचीत करती थी, पर अब खाने के बिना एक शब्द भी बोल नहीं पाई। दूसरी मुर्गी इतनी कमजोर पड़ गई कि अपने पंखों को सवार भी नहीं पाई। तीसरे दिन तक किसी को भी भूख के कारण नींद भी नहीं आई। बेसब्री से अपनी माँ का घर आने का इंतजार कर रहे थे। जब मम्मी मुर्गी वापस आई, तब तीनों छोटे मुर्गी माँ के पास दौड़े खाना मांगते हुए। सिर्फ मैं और तुम्हारी बहन रोज इतना सारा खाना नहीं ला पा रहे। इतना काम करने के लिए केवल हम दोनों काफी नहीं है। अगर तुम सब भी मदद करोगे तो काम आसान हो जाएगा। तो कल से तुम तीनों भी हमारे साथ काम पे चलोगे। ऐसा कहकर मम्मी मुर्गी ने तीनों को रोटी का एक एक टुकड़ा दिया। उस दिन से बाकी के तीन छोटी मुर्गियां भी अपनी माँ और बहन के साथ काम पे जाने लगी। अपनी आलस्य छोड़कर मेहनत से काम करने लगे। मम्मी मुर्गी उसके परिवार में ये बदलाव देखकर बहुत खुश हो गई। छोटी लाल मुर्गी भी खुश थी कि उसको अपनी बहनों के साथ समय बिताने का मौका भी मिल गया। जिम्मेदार रहे, मेहनत का परिणाम अच्छा ही होता है।